नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे सोर्सेज के बारे में जहां से आप स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट रह सकते हैं, लगातार वहां से न्यूज़ देख सकते हैं कि आज स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, स्टॉक मार्केट में कल क्या होने वाला है। साथ ही साथ जो स्टॉक्स है उसके बारे में अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो स्टॉक के बारे में फाइनेंशियल रिजल्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, ये सारे जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है कब होने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। तो हम ऐसे ही पांच बेस्ट सोर्स आपको बताएंगे जहां से आप स्टॉक मार्केट के बारे में लगातार अपडेट रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल पर जाइए, इन सारे वीडियोज को देखिए, स्टॉक मार्केट सीखिए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीखिए। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला वेबसाइट है वो है मनी कंट्रोल। आपको मनी कंट्रोल टाइप करना है गूगल में। देखिए, हमारा कई बार हम डेली सर्च करते हैं तो मनी कंट्रोल हमारा यहाँ पर देख सकते हैं, ऑलरेडी हमारा सर्च किया हुआ है तो आ गया। तो हम मनी कंट्रोल पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पहला ही वेबसाइट आपको मनी कंट्रोल आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है moneycontrol.com पे। जैसे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड न्यूज देख सकते हैं, और जो मार्केट है इस पर क्लिक करेंगे तो आप मार्केट के बारे में बहुत सारी न्यूज देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में क्या न्यूज है वो देख सकते हैं, कमोडिटीज के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं पर्सनल फाइनेंस पोर्टफोलियो अपना आप यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर आप वर्चुअल पोर्टफोलियो बना सकते हैं, मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगनर हैं, बिल्कुल नए हैं, तो आप यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो बनाइए, मतलब जो करेंट प्राइस है स्टॉक का, उस स्टॉक का यहाँ करेंट प्राइस डालिएगा और उस करेंट प्राइस के अनुसार आप देखिएगा आपका क्या प्रॉफिट होता है, लॉस होता है कितने दिनों में। इससे आप इन्वेस्ट करने के लिए सीख जाइएगा कि कैसे स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो प्रॉफिट और लॉस होता है। हमने भी नया में यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाया था। आप इसका जो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप पे भी सेम फंक्शन है, ऐप पे भी आपको सेम फंक्शन मिलेगा। बस यहाँ पर आपको कॉर्नर में जो तीन लाइन होगा, तीन लाइन वाले मेन्यू पर क्लिक करिएगा तो ये सारा फंक्शन नीचे से ऊपर मिलेगा, नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रूप में है। फिर यहाँ पर आप देखते हैं बी ए प्रो, आप इसका प्रो वर्सन भी ले सकते हैं, मतलब पेड वर्सन ले सकते हैं। उसके बाद हम कोई भी स्टॉक यहाँ पर ऊपर में सर्च करते हैं। यहाँ पर देखिए क्लिक किए, यहाँ बहुत सारे स्टॉक का नाम आ गया। चलिए हम इसमें रिलायंस को सर्च कर लेते हैं, क्योंकि हम इस वेबसाइट को बार बार यूज़ करते रहते हैं तो इसलिए सर्च में बहुत सारे स्टॉक दिखा है, जिसमें से हमने रिलायंस को सिलेक्ट कर लिया। अब हम नीचे जाते हैं, देखिए रिलायंस के बारे में यहाँ बहुत सारे चीज़ आ जाएंगे। आपको देखते हैं यहाँ पर इसके बारे में कोर्स क्या है, चार्ट यहाँ से क्लिक करके रिलायंस का चार्ट देखते हैं। जैसे हम देखें क्लिक किए, रिलायंस का चार्ट आ गया। फिर यहाँ पर आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं, टेक्निकल है, टेक्निकल पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्निकल आ जाएगा इसका। देख सकते हैं यहाँ पर डेली, वीकली, मंथली, जो भी टेक्निकल है यहाँ पर मूविंग एवरेज बुलिश दिखा रहा है, इंडिकेटर न्यूट्रल है। देखते हैं यहाँ पर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, ये भी न्यूट्रल है। तो सारा चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, टेक्निकल जो भी एनालिसिस है। उसके बाद यहाँ पर वैल्यूएशन पर क्लिक करेंगे तो इसका वैल्यूएशन आ गया रिलायंस का। देखते हैं वैल्यूएशन मार्केट, अभी जो प्राइस है रिलायंस का 1436 रुपीज है आज, मतलब जो पिछला ट्रेडिंग डे है उस दिन 6.40 रुपये ये डाउन था। उसके बाद ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस देखते हैं, हाई प्राइस, लो प्राइस, प्रीवियस क्लोज, मतलब पिछला ट्रेडिंग डे जो क्लोज हुआ था, मतलब जो लास्ट ट्रेडिंग डे है उससे एक दिन पहले जो क्लोज हुआ था वो प्राइस। यहाँ पर एवरेज प्राइस देखते हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड, मतलब फ्यूचर और ऑप्शन में कितना कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुआ जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उस दिन। उसके बाद यहाँ पर टर्नओवर देख सकते हैं, मार्केट लॉट देख सकते हैं, 500 का मार्केट लॉट है फ्यूचर और ऑप्शन में। ऐसे जो केस मार्केट होता है, मतलब जो आप डिलीवरी लेते हैं और डिलीवरी के लिए कोई मतलब लॉट नहीं होता, वन का लॉट होता है, आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन मार्केट में जो है लॉट होता है, मतलब 500, कम से कम 500 आप जो है इसका ट्रेड ले सकते हैं फ्यूचर ऑप्शन में, मतलब 500 स्टॉक आपको फ्यूचर ऑप्शन में बाय करना पड़ेगा या इसके मल्टीपल में, जैसे 1000, 1500, इस तरह का लॉट जो है, मतलब 500 एक लॉट हुआ तो 1000 लेते हैं, दो लॉट हो गया, तीन लॉट हो गया, इस तरह से आपको बाय करना पड़ेगा। तो सारा ये वैल्यूएशन हो गया। फिर यहाँ पर देखते हैं कॉर्पोरेट एक्शन है, कॉर्पोरेट एक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो हमारा प्रमोटर्स का होल्डिंग, ये सारा होल्डिंग आ जाएगा। साथ साथ यहाँ पर कॉर्पोरेट में ये
ऊपर थोड़ा सा चला गया। कॉर्पोरेट में देख सकते हैं डिविडेंड कितना दिया है, रिलायंस बोनस कब कब दिया है ये देख सकते हैं, स्प्लिट कब कब हुआ है स्टॉक्स, उसके बाद यहाँ राइट इश्यू कब कब दिया है, राइट इश्यू देख सकते हैं अभी इसका चल रहा है, प्रीमियम है देखते हैं 1247 रुपीज पर हमारा ये स्टॉक्स जो है राइट इश्यू दिया है, 1:15 का रेशियो है। तो यहाँ पर AGM और EGM देख सकते हैं कब कब है, तो बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर न्यूज़ पर क्लिक करेंगे तो रिलायंस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो आ जाएगा, समझ सकते हैं कितना यूजफुल है। फाइनेंशियल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ फाइनेंशियल आ जाएगा जो कि देख सकते हैं क्वार्टर में किस प्रकार मतलब हमारा सेल्स रहा है, प्रॉफिट रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बैलेंस शीट भी देख सकते हैं, चाहे यहाँ ऊपर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है बैलेंस शीट पर क्लिक करके बैलेंस शीट देख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस पर क्लिक करके प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, हाफ ईयरली 9 मंथ का रिजल्ट या अर्ली रिजल्ट, यहाँ पर आप कैश फ्लो देखते हैं, रेशियो देखते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर देखते हैं, फाइनेंशियल ग्राफ देख सकते हैं। तो ये जो साइट है स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज होता है, चाहे तो आप इसका ऐप वर्सन यूज करें चाहे आप इसका वेबसाइट यूज करें, दोनों सेम चीज़ है। ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, जैसे स्टॉक आप इसके ऐप पर भी आप जैसे सर्च करेंगे स्टॉक को और स्टॉक को सर्च करके क्लिक करेंगे तो आपको सारे ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप ऐप सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इसका ऐप यूज करें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आगे आपको इस पर मतलब मनी कंट्रोल का ऐप कैसे यूज करेंगे ये आपको वीडियो बना करके हम दे देंगे। तो इसलिए आप यहाँ पर आइए और इस ऐप को यूज कीजिए ज़रूर, इसके वेबसाइट को यूज कीजिए, आपको स्टॉक के मार्केट के बारे में या और स्टॉक के बारे में हर चीज़ पता चल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कंसोलिडेटेड और स्टैंड लोन दोनों रिजल्ट है, दोनों देख सकते हैं। फिर यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं, उसके बाद शेयर होल्डिंग पर क्लिक करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर पीर्स मतलब इस सेक्टर के और जो स्टॉक्स है उससे कंपेरिजन देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके पीर्स पर करके कंपनी का इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, और जो लोगों का व्यू क्या है तो कमेंट्स पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि रिलायंस पे कौन से लोग बुलिश हैं, कितने लोग बेयरिश हैं, कितने लोग न्यूट्रल हैं, मतलब रिलायंस को किस प्राइस पे आपको बाय करना चाहिए, राइट इश्यू है तो अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो यहाँ कमेंट्स में जाकर के आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो पहला वेबसाइट हो गया मनी कंट्रोल, मनी कंट्रोल आप अवश्य यूज करें स्टॉक मार्केट के बारे में सर्च करने के लिए, मतलब स्टॉक के बारे में जानने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वेबसाइट है। उसके बाद दूसरा है हमारा skinner.in, देखते हैं skinner.in। कंपनी का अगर फंडामेंटल्स देखना हो, फंडामेंटल्स का कॉम्पिटिजन करना हो तो स्किनर एक बहुत ही बेस्ट वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप आकर के जैसे यहाँ पर देखते हैं कंपनी सर्च है, यहाँ पर नाम टाइप करेंगे जो भी नाम है, जैसे आप रिलायंस का चाहते हैं तो रिलायंस यहाँ टाइप करेंगे, जैसे है देखिए टाइप किए हमारा रिलायंस इंडस्ट्री आ गया, उस पर क्लिक किए तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखते हैं हमारा पहले से सर्च किया हुआ था इसलिए रिलायंस इंडस्ट्री उसी रूप में रह गया। फिर यहाँ पर आप देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट देखते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, चार्ट पर क्लिक करेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पर एनालिसिस पर क्लिक करेंगे तो सारा एनालिसिस आ जाएगा, देखते हैं इसका जो कंपैरिजन है इसके जो पीर्स हैं मतलब दूसरी कंपनी जो इसी इंडस्ट्री के है उसके साथ। फिर यहाँ पर क्वार्टर्स पे क्लिक करेंगे तो सारा सेल्स और प्रॉफिट जो है रिलायंस इंडस्ट्री का देखते हैं 2017 से हर क्वार्टर वाइज यहाँ पर आ गया। फिर प्रॉफिट लॉस पर क्लिक करेंगे तो प्रॉफिट लॉस इसका सारा आ जाएगा 2008 से लेकर के अभी देख सकते हैं मार्च 2019 तक का यहाँ पर उपलब्ध है। बैलेंस शीट पर क्लिक करेंगे तो बैलेंस शीट के बारे में यहाँ पर देखते हैं 2008 से लेकर के 2020 तक का हर चीज़ देख सकते हैं। फिर यहाँ कैश फ्लो पर क्लिक करके सारा कैश फ्लो देख सकते हैं 2008 से लेकर 19 तक। यहाँ पर रेशियो पर क्लिक करेंगे तो सारा रेशियो आ जाएगा, ROCE आ जाएगा, देखते हैं डेबिटर डेज इन्वेस्टर टर्नओवर सारा चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके आप इसके डॉक्यूमेंट्स जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, देखिए फाइनेंशियल 2019 का जो रिजल्ट है वो डाउनलोड, 18 का, 17 का जो भी है यहाँ पर, यहाँ पर और सारे बहुत सारे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 12 मई जो मीटिंग हुआ उसमें क्या मतलब डिस्कस हुआ वो सारा यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कंपनी के फंडामेंटल रिसर्च के लिए बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है। उसके बाद जो नया वेबसाइट है, नया में जो सबसे बेहतरीन वेबसाइट अभी आया है वो है tickertape.com। ये नया में एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है जिसका आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टॉक्स, देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्री, अभी रिलायंस बहुत ही ज़्यादा सर्च हो रहा है क्योंकि राइट इश्यू है, रिलायंस में लगातार जो है नए नए न्यूज़ आ रहे हैं, नया नया जो है प्रमोटर, नया नया प्रमोटर्स मिल रहा है रिलायंस जियो को, मतलब इन्वेस्टर मिल रहा है, कई सारे इन्वेस्टर 4-5 अभी तक में इन्वेस्टमेंट आ चुका है रिलायंस जियो
जियो में, तो रिलायंस जियो में लगातार जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उससे रिलायंस का स्टॉक जो है लगातार जो है अप मूव कर रहा है। तो इस कारण से हम भी रिलायंस को बार बार जो है इंफॉर्मेशन को जानने के लिए सर्च करते रहते हैं। तो यहाँ पर सर्च किए, जैसे ticker.com पर देखते हैं रिलायंस के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आप इंट्रेंसिक वैल्यू से प्राइस जो है लेस है या अप है ये जान सकते हैं, रिटर्न ये कितना दिया है ये जान सकते हैं, डिविडेंड रिटर्न जान सकते हैं, एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए ये जान सकते हैं, फिर यहाँ पर इसमें अभी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी कितना है ये जान सकते हैं, फिर यहाँ पर आप देखते हैं रिटर्न कब कितना रिटर्न दिया है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट यहाँ पर मिल जाता है। मतलब ये जो है एक रेडीमेड वेबसाइट है, जो मनी कंट्रोल हो गया, टिकर टेप हो गया, स्किनर हो गया, ये सब रेडीमेड वेबसाइट है। आपको सारे रिजल्ट जो है ये कैलकुलेट करके देता है। जैसे आप वन वीक का यहाँ से रिटर्न देखते हैं कितना है, फिर यहाँ से वन मंथ का रिटर्न आप देखते हैं कितना है, वन ईयर का रिटर्न देखते हैं, फाइव ईयर्स का देख सकते हैं मैक्सिमम में कितना है, वन मंथ का देखते हैं अभी निगेटिव में है, फिर अभी वन वीक का निगेटिव में था, वन मंथ का देख सकते हैं 6.23% है, फिर वन ईयर का यहाँ से रिटर्न देख सकते हैं, फिर यहाँ से मैक्सिमम ईयर का देख सकते हैं, या इसमें कोई SIP करता है तो उसमें किस तरह का रिटर्न होगा देखते हैं, SIP में कोई इसमें SIP करता है स्टॉक में तो उसका रिटर्न किस प्रकार का होता, तो ये सारा जो है कंपेरिजन यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से प्राइस फोरकास्ट, अगर आप प्रीमियम वर्सन इसका लेते हैं तो यहाँ पर प्राइस फोरकास्ट दिखाएगा कि ये स्टॉक्स जो मैक्सिमम कितने प्राइस तक जा सकता है, नीचे के प्राइस में कितना आ सकता है। यहाँ पर देखते हैं प्रो वर्सन के लिए वर्ली है, अगर आप इसका प्रो वर्सन लेते हैं मतलब पेड वर्सन लेते हैं तो, फिर यहाँ पर आप फाइनेंशियल पर क्लिक करके इसके सारे फाइनेंशियल देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे आपको यहाँ पर इनकम दिखाएगा, बैलेंस शीट दिखाएगा, कैश फ्लो दिखाएगा, हर चीज़ दिखाएगा, फिर यहाँ पर पीयर कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब इस सेक्टर के जो अन्य स्टॉक्स है उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं इस स्टॉक को। यहाँ पर देख सकते हैं इसका टेक्निकल फोरकास्ट सारा कंपैरिजन यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर होल्डिंग्स पर क्लिक करेंगे तो सारा होल्डिंग्स आपको देखने मिल जाएगा, प्रमोटर्स का, म्यूचुअल फंड का, कितना होल्डिंग्स है, कितना परसेंट शेयर प्लेस्ड है, सारा मिल जाएगा। यहाँ पर न्यूज़ पर क्लिक करके इससे रिलेटेड मतलब रिलायंस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो देख सकते हैं, इवेंट्स देख सकते हैं कब कब कौन सा इवेंट हुआ है। ये तीसरा वेबसाइट था ticker.tape.in, तो वेबसाइट पर आइए, आप जो है यहाँ से फ़ायदा उठाइए, स्टॉक्स के बारे में जानिए, स्टॉक के बारे में सारी रिसर्च कीजिए, फंडामेंटल टेक्निकल सारे रिसर्च यहाँ पर आपको मिलेंगे। उसके बाद जो हमारा चौथा है बेहतरीन वेबसाइट वो है investing.com। दोस्तों इस पर जो बेहतरीन वेबसाइट का काम है कि यहाँ पर आप पूरे ग्लोबल मार्केट के सारे इंडेसेस को ट्रैक कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केट के सारे इंडेसेस देखते हैं। यहाँ पर हमने इसके मार्केट में गया, मार्केट में जाकर के ग्लोबल इंडेक्स पर क्लिक किया तो यहाँ आपको ग्लोबल मार्केट के सारे इंडेक्स यहाँ पर देखते, नीचे आते हैं हम सारे इंडेक्स आपको देखने यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए नीचे हम आते हैं, देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का जितना भी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का सारा इंडेक्स मिल गया, फिर इंडोनेशिया का, यहाँ हांगकांग का, जापान का, देखते हैं मलेशिया का, आपको सारा इंडेक्स यहाँ पर मिल जाएगा। देख सकते हैं नीचे चलते जाइए आपको सारे इंडेक्स एक जगह मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आप आते हैं investing.com पर, तो इसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं, इस वेबसाइट के भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं। देखिए मार्केट में क्लिक किए तो यहाँ पर आपको और भी यहाँ पर भी आपको पहले से ही ये कुछ इंडेसेस दिखा देता है, जैसे जो इसका होम पेज पर मार्केट है वहीं पर क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे इंडेसेस यहाँ पर देखने मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप स्टॉक को भी सर्च कर सकते हैं, जो भी स्टॉक यहाँ पर सर्च करें उसके बारे में जो भी न्यूज़ होगा सारा चीज़ आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो बेहतरीन वेबसाइट में से ये भी एक है, तो ये चौथा वेबसाइट था। उसके बाद हमारा आता है इकोनॉमिक्स टाइम्स। दोस्तों अगर किसी भी तरह के न्यूज़ हो चाहे कुछ भी सर्च करना हो तो आप इकोनॉमिक्स टाइम्स का यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हम इकोनॉमिक्स टाइम्स को खोले हैं, यहाँ पर आप मार्केट में जाएंगे तो जैसे आप मार्केट में जाएंगे तो यहाँ पर देखते हैं स्टॉक्स, IPO, मार्केट डाटा देख सकते हैं, एक्सपर्ट व्यू, टेक्निकल्स, जो भी चीज़ है स्टॉक के बारे में सारा का सारा चीज़ यहाँ मार्केट के बारे में, मतलब जो हमारा स्टॉक मार्केट है, जो IPO है या स्टॉक्स है कोई भी उसके बारे में यहाँ पर आप जान सकते हैं। यहाँ पर इंडस्ट्री के बारे में सब जान सकते हैं, देखें डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री, हमारा अभी कार इंडस्ट्री किस मतलब कंडीशन में वो जान सकते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री किस कंडीशन में वो जान सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें म्यूचुअल फंड के बारे में, बेस्ट म्यूचुअल फंड क्या है इन्वेस्ट करने के लिए देखते हैं, म्यूचुअल फंड फॉर शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ पर आप सारा चीज़ मतलब सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं।
तो ये पांचवा वेबसाइट था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको जो यूज करना चाहिए वो जो हमारा है NSC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप यूज कर सकते हैं nscindia.com। यहाँ पर देख सकते हैं www.1.nscindia.com यूज कर सकते हैं। उसके बाद BSC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है bscindia.com वो यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन जैसे BSC का यूज करते हैं तो यहाँ पर भी आपको स्टॉक के बारे में न्यूज, उसके फंडामेंटल्स, उसके टेक्निकल सारी चीज़ मिल जाएंगे। तो ये दोनों वेबसाइट भी बेहतरीन है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी लगातार विजिट करते रहना चाहिए। अगर आप NSE कैसे यूज करें, यहाँ पर सारे इंफॉर्मेशन डाटा कैसे एकत्रित करें, अगर आप जानना चाहते हैं कि NSE पे कौन कौन से सारे फीचर हैं तो हमें कमेंट करिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे इस वेबसाइट के बारे में कि यहाँ आपको कौन कौन से फीचर मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा कि कैसे आप स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट रह सकते हैं, कहाँ से आप स्टॉक मार्केट के बारे में न्यूज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।